वेरी गुड मॉर्निंग भगवान जी, वेरी गुड मॉर्निंग माय लड्डू गोपाल। मम्मा जिम से आ रही है, ठीक है? ओके ओके ओके। आज हम रोशनी में जा रहे हैं जिम। रोज अंधेरे में जाते हैं, आज रोशनी में जा रहे हैं। संडे की संडे रोशनी में जाते हैं ना। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज है संडे, संडे को हम कर रहे हैं फंडे। आज स्कूबी को घूमी लेके जाना है एंड फटाफट जिम से होके आते हैं। दीदी हो काम करके जाती है, आज बहुत कुछ प्लान था। आज मेरा रेलवे स्टेशन जाने का भी प्लान है कि एक बार बात करके आती हूँ क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे स्कूबी को लेके जा सकते हैं एंड ऑल। सो देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो कल तो पक्का ही जाऊँगी, क्योंकि कल मेरे को दिल्ली की तरफ जाना भी है, ग्रीन पार्क में मुझे कुछ काम है। तो हम कल रेलवे स्टेशन का भी प्लान कर लेंगे। एंड ये देखो, इसमें हो रहा है 7:30 और यहाँ हो रहा है 6:30। दोनों टाइम में से कौन सा टाइम सही है? ये वाला। इसके कैमरे की भी सेटिंग करनी है, जब से आए तब से है। और एक मेजर चीज, आज बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरा। मेरे को पता ही नहीं था कि आज मैराथन है, और मैंने मेल्स वगैरह चेक नहीं करे कुछ भी। एंड मेरे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरे को पिन हुआ, तो मैं मेल बॉक्स चेक कर रही थी तो उसमें देखा कल रात का एक मेल आया हुआ है। एंड मैं ना अपनी वो ली, टी शर्ट ली, ना वेब वगैरह का नंबर वगैरह लिया, कुछ ट्रैक नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो मैं मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। पे भी किया मैंने, दो पे बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट हाँ मेरा फर्स्ट मैराथन था आफ्टर लॉकडाउन, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वही कहते हैं ना, ज़्यादा खुशी भी ना बर्दाश्त ही नहीं होती। कोई ना, अब दूसरा मैराथन पार्टिसिपेट करेंगे, बट अब पहले थोड़े से प्रिपेयर अच्छे से हो जाते हैं, वो डर ही ख़त्म कर देते हैं कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। दीदी मॉर्निंग, दीदी मॉर्निंग, आके खाते हैं। बहुत पतला हो गया मैं बच्चा तू। A few inches later. सूजी, हमारा जो नया ऑब्सेशन है वो प्लांट के साथ शुरू हुआ है। तो अब हम आए हैं भैया के पास पॉट्स लेने के लिए। कौन सा है? ये नींबू का है। हाँ जी, नींबू निकला हुआ है। तो नींबू का, हरी मिर्च का, धनिया का, पुदीना का, सब हम घर पे ही उगाएंगे। अब हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, है ना मैडम? हाँ जी, हाँ जी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं भैया ने। देखते हैं, हम लोग प्लास्टिक का लेंगे, इसको उठाने में बहुत भारी हो जाता है। हाँ, ये वाले सही हैं, है ना? ये वाले बेस्ट है, ये वाले सही हैं, है ना? हाँ जी। सो जी, पॉट्स तो हमने ले लिए हैं, अब पौधे देखते हैं। पौधे हमें एक नींबू का लेना है और एक बैंगन का लेना है और एक हरी मिर्च का लेना है, है ना? हरी मिर्च तो भैया दिखा रही है। फूल वाले तो खराब हो जाते हैं यार, पहले फूल वाले लगाए थे सारे। मिर्च, नींबू, बैंगन सब उगा रहे हैं, ठीक है? तोड़ तोड़ के खाती रही हूँ। ओके 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 ओके। ललिता दीदी को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, सारा काम छोड़ के ये गार्डनिंग में लग गई है। ये देखो, इसने मेथी उगा दी है, मेथी उग गई है इसकी, अच्छी उग गई यार जी, है ना? स्कूबो तू क्या कर रही है, तू हेल्पर है क्या इसकी? चल इधर आ, चल अंदर। ललिता दीदी ने ना इतना बोल बोल के मेरा भी ऑब्सेशन जगा दिया पौधों के लिए। अब देखते हैं कैसे उगते हैं, लेट्स सी। हम लेकर आए हैं बैंगन का पेड़, नींबू का पेड़, शिमला मिर्च का पेड़ हमारे पास है ही, टमाटर का पेड़ है ही हमारे पास। अब व्हाट नेक्स्ट? मेथी और धनिया तो उगा दी है, व्हाट नेक्स्ट? और पुदीना उगाना है। देखा? और थोड़ी हम माली बन जाए क्या? हाँ जी। अब इसमें और नहीं आएगी। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हो गया। आपको पता है कल सब्सक्राइबर ने आपके लिए केक भेजा है। केक नहीं चाहिए भैया, थैंक यू। तो ये और हमारी फैमिली में जुड़ गए हैं, आई होप।
हम इनका अच्छे से ध्यान रखें, मैं पूरी कोशिश करूंगी एंड ललिता दीदी भी पूरा अपना योगदान 100% देंगी इनकी देखभाल में, है ना? हाँ जी। अभी मंजू दीदी का रिएक्शन देखना, इनको कोई लेना देना नहीं है किसने केक भेजा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइबर ने आपके लिए केक भेजे हैं, हमारे 30 के हो गए ना इसके लिए। भैया था मैंने आपका, देख ये तो बिजनेस का दिन, भैया 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 हम भी कुछ काम करते हैं भाई दुनिया में, कुछ भी मतलब ही नहीं है क्या हम करते हैं भैया के लिए। ये केक आया था और ये केक मैंने बनाया था, ये हमने हाफ खा लिया, इतना ज़्यादा यमी बना था ट्रस्ट मी। एंड आप लोग भी टेस्ट करके बताओ दीदी ये केक कैसा बना है, बाहर का तो रोज ही खाते हैं, मेरे हाथ का खाओ। सो ये केक हम कटवा रहे हैं ललिता दीदी से, अभी जस्ट पता चला कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में केक काटा ही नहीं है, तो आज उनको ये एक्सपेरिमेंट करा देते हैं एंड लेट्स सी। जिसने भी भेजा थैंक यू सो मच, नाम तो नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर, बट स्टिल आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड अप्रिशिएट कि आप लोग, आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद हैं और आप लोग इतने एफर्ट्स मारते हो, थैंक यू सो मच। मतलब नहीं है इसको, बस बार बार जाके पट्टा ड्रॉर खोलती है, पट्टा देखो पट्टा देखो पट्टा देखो, घूम ही लेके चलो बस, कोई मतलब नहीं है इसको। 30 के हुए 40 के हुए कुछ मतलब नहीं है इसको, बाहर में जाओ तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे बस घुमा दो, है ना, यही है ना तेरा कहने का मतलब। एक बार मुझे देखती है एक बार पट्टा देखती है, एक बार मुझे देखती है एक बार पट्टा देखती है, मारो दो चांटे। हैप्पी 30K टू अस, हैप्पी 30K टू अस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मन गया ललिता दीदी का, ये लो आप लोग खाओ। सुनो लगाओ चुटको 30K, तेरी तो फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, तू डबल चैनल पे फैन फॉलोइंग बनाती है। सुना हम ऐसे ही मजाक नहीं कर रहे थे कि गार्डनिंग का ऑब्सेशन हमारे चरण सीमा पे है, मैं आपको दिखाती हूँ कि गार्डनिंग का ऑब्सेशन हमारी कितनी चरण सीमा पे है। ये देखो, कैन यू सी दैट, इसमें देख रहे हो सारी वेजिटेबल्स की हमने सीड्स मंगा लिए, कोई वेजिटेबल नहीं छोड़ी जिसका सीड ना हो। अब कमेंट्स में फटाफट बता दो क्या क्या उगाना है, हम सब ट्राई करेंगे धीरे धीरे करके। सीजनल वेजिटेबल्स ही उगती होगी ना मगर, हाँ। तो अभी किसका सीजन है, सीजन है अभी उसका, करेले का, तोरी का, खीरे का, ककड़ी का। तो बस ललिता कल से लग जा गार्डनिंग में, इधर देख ऑल द बेस्ट। मैंने तो खाद भी तैयार कर ली है, खाद भी तैयार कर ली है और ये तेरे लिए पाइप भी आ गया है, खोल के दिखा इसको पाइप तेरा। इसके पेपर में ना प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं कौन से सीजन में कौन सा ग्रो करना है और उसका प्रॉपर मेथड। तो चलिए अब 2-3 महीने गार्डनिंग शुरू। यार ऐसे तो बहुत लोग बहुत चीज़ें प्री वर्कआउट एज लेते हैं, तो मुझे जो कि कॉफ़ी से मिलती है ना वो किसी चीज़ से नहीं मिलती है। मैं बहुत सोचा कॉफ़ी छोड़ू, बट नहीं छूटती यार ये, और इससे जो वर्कआउट मेरे को फील होता है ना, अच्छा कर पा रही हूँ मैं और मेरे में प्रॉपर स्टेमिना रहता है, वैसा वर्कआउट का फील मैं किसी भी प्री वर्कआउट वगैरह या कुछ भी खा के नहीं कर पाती यार। कॉफ़ी आई लव यू यार। The next day. मम्मा जिम से आ रही है, ठीक है, शोर नहीं मचाना, भौंकना नहीं, अपने नाम, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह ट्रक कहाँ से आ गई? हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। मैं निकल रही हूँ अपने जिम के लिए, इट्स ऑलमोस्ट 5:30 एंड आप लोगों ने क्या रूटीन सेट किया कमेंट्स में बताओ यार। ओके सुधी जिम से आ गए हैं, आते हुए शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था, गाना सुनते सुनते जिम में कार्डियो करते करते फ़ोन का बैटरी बंद हो गया।
रात को एक्चुअली चार्ज करना भूल गई थी मैं फ़ोन, और इसको देखो ये डेस्परेटली वेट कर रही है दीदी का। ललिता ललिता देखो कुछ ही देखो इसकी ललिता के नाम से, जैसे पता नहीं इसकी लुगाई है ललिता ललिता। एंड ब्लैक एंड वाइट के ऑरा से थोड़ा ब्लैक वाइट ग्रे ब्लू के ऑरा से थोड़ा सा दूर आके आज मैंने फर्स्ट टाइम ऑरेंज कलर पहना है। कमेंट्स में ज़रूर बताना ये कलर कैसा लग रहा है। इन सम मोर न्यू कलर्स आई विल बी वेयरिंग, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ मेरे पे ये कलर अच्छा नहीं लगता वो कलर अच्छा नहीं लगता, तो अब मुझे सारे कलर्स पहनने अच्छे लगे या नहीं लगे। तो ये देखो आज मैंने ना सारे प्लांट्स खुद से ही पानी दे दी, पाइप का होने का फ़ायदा। अब दीदी आएगी तो गैलरी साफ़ कर देगी। अभी आपको इसमें बहुत सारी सब्जियाँ उगती हुई दिखने वाली हैं सारे पौधों में। मम्मा ने बहुत मस्ती कर ली एक हफ्ते, अब आज से मम्मा का काम शुरू है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम मम्मा का, ठीक है, ओके। शोर नहीं मचाना, ज़्यादा भौंपू नहीं करना, ओके। नीचे क्यों बैठी है, ना अड़िए, पापा के पास जाना है, जाएगी पापा पास, पापा की नींद खराब हो जाएगी बेटा। पापा कितने बजे सोए, 4 o'clock सोए ना पापा, आ जा मम्मा पास, आ जा आ इधर बैठेंगे, इधर बैठो, ठीक है। मम्मा ऑफिस का काम करना स्टार्ट करेगी, आप इधर बैठो मम्मा के पास, बैठो मम्मा के पास, बैठो बैठो बड़ा बच्चा मेरा। बहुत दिन बाद इस टाइम पे गाड़ी निकाल रही, तो मुझे जाना है अपने ऑफिस, वहाँ से चेक उठा के फिर हम बैंक जाएंगे और बैंक से फिर हम वापस घर आ जाएंगे अच्छे बच्चे की तरह। लो जी आ गए अपने पुराने रास्ते पे। In the middle of the night, I feel lonely by your side. In the middle of the night, I'm standing in the dark. And this. Hi. Hello. Hello. क्या हुआ तुझे? Teddy. क्या हुआ? मिनी आ रहा है परेशान. बीमार है क्या हुआ तेरे को याद नहीं मैं? जा रही हूँ मैं। हैरी तुम नींद में क्यों लो रहा है ना, आ जा रही हूँ मैं, बाय बाय तो कर दे, नहीं बाय। जी फाइनली एग्जिट हो गया है प्रीवियस कंपनी से, पूरा फुल एंड फाइनल हो गया है, चेक अपने हाथ में आ गया है शॉपिंग करने के लिए। एंड अब जाना है बैंक, चेक को डिपॉजिट कराना पड़ेगा ना शॉपिंग करने के लिए पहले। फिर ट्रैफिक की लाइन देखो ज़रा, अरे बाप रे अच्छा हुआ मैं पहले ही निकल के आ गई, देख लो कितनी लंबी लाइन है, बाप रे। गाड़ी कैसे खड़ी कर दी है, देखना गाड़ी कैसे खड़ी कर दी है मैंने आ रही हवा में। आई थिंक इसके पीछे टायर में हवा कम लग रही है जी। वैसे तो मेरा फेवरेट बैंक HDFC बैंक है, बट सैलरी हमारी ICICI में आती है, तो ICICI बैंक आ गई है ना, तो ICICI बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, इसको करा देते हैं। चरण सीमा देख रहे हो मेरी, फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए मैंने लिफ्ट ली है यार, पैर बहुत सही में बहुत दर्द कर रहे हैं यार। बैंक में कभी जाने की आदत ही नहीं पड़ी, विकास बैंक में था तो कभी गए ही नहीं बैंक में, ऐसे लगता है पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ये करो वो करो वो करो। बट खैर अभी तो इन्होंने सिस्टम काफ़ी इजी कर दिया है, मशीनरी सिस्टम कर दिया, तो चेक वहीं पे जाके पूरा डिपॉजिट करा दो और हैंड टू हैंड सेम बैंक का है तो वहीं पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो सिस्टम काफ़ी ईजी कर दिया, एडवांस कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। बिगड़ी हुई नवाब को ये मेरे वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, देख लो 12:30 बजे आ रही है, मैम का कोई अता पता नहीं है क्या, और कैमरे से नज़र चुरा रही हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके पास कि मैं कब आऊँगी। देखा बहुत लोग पूछते हैं आप खाली ललिता दीदी को क्यों कैमरे में लेते हो, इनको क्यों नहीं लेते, ये कैमरे को कोई भाव ही नहीं देती है, ये कैमरे को एकदम मतलब ऐसे करती है जैसे पता नहीं चल भाग यहाँ से, हंसे बोलते हाय हाय कर हाय कर हाय कैसे हैं आप लोग, बहुत अच्छा चलो। अरे उनसे पूछ चलो थोड़ी पूछ रहे इधर आ, नीचे कैसे गई फिर से बिना पूछे, मैं देखने को सड़क का कुत्ता मेरे बगल से चला गया, कहीं कहां से आ गई बमाशु बमाशु बमाशु, पापा चले गए, काम से चले गए पापा।
सोचिए ऑलमोस्ट 6:30 हो गए हैं एंड वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस. सच बताऊं तो ये लड़की बेल बजती तो इतना ज़्यादा भौंकती है, इतना ज़्यादा भौंकती है ना कसम से. मुझे लाइक एक बात, मुझे इतनी तेज गुस्सा आया ना, इसकी पिटाई हो जाती है. मेरे से मेरी कॉल के बीच में इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंकी है, जूम कॉल चल रही थी एंड वाह वाह वाह. फिर उनको भी समझ में आ गया, सर वो कहते कोई बात नहीं बेटा मेरे पास भी डॉग है. मैंने कहा ठीक है फिर, ठीक है एक डॉग लवर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ताका झाकी ताका झाकी ही नहीं चलती है, ख़त्म होती है गाड़ी में. पता नहीं क्या ढूंढती है मेरी गाड़ी में, ये समझ में ही नहीं आता. मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या ढूंढती क्या है ये मेरी गाड़ी के अंदर. स्कूप क्या ढूंढ रही थी, मिला कुछ है? मिला कुछ स्कूप? मिला कुछ तेरे को है अंदर? मिला कुछ? आज मम्मा पास आ गई, कुछ नहीं मिलेगा गाड़ी में. बेबी दिख गया तुझे दिया, प्रॉमिस पूरा कर दिया. मैं जा रही हूँ अपने जिम. करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म. मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा. अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी हेल्थ का बहुत सारा ध्यान रखिए. एंड प्लीज कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऑरेंज कलर मुझ पर कैसा लगा. कल मिलूंगे नए कलर के साथ.